नमस्कार दोस्तों, आज हम आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2008 का राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र अध्ययनवार विश्लेषण करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ए, जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद का समर्थक था। उसने अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख का समर्थन किया। जीन जैक रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ होता है, परंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा है। टीएच ग्रीन के अनुसार शुभ जीवन के लिए बाधाओं का निराकरण राज्य का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखकों और पुस्तकों का निम्नलिखित में से कौन एक युग में सही सुमेलित है? जॉन लॉक, लेवियाथन, जे एस मिल, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रूसो, टू ट्रीटीचेस ऑन गवर्नमेंट, थॉमस हॉब्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका राइट आंसर है बी, लेवियाथन थॉमस हॉब्स की पुस्तक है। टू ट्रीटीचेस ऑन गवर्नमेंट पुस्तक जॉन लॉक की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है, तथा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पुस्तक जे एस मिल की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह विचार था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और शुभ जीवन के लिए बना रहता है। इसका राइट आंसर है सी, अरस्तु ने कहा था। यूनानी विचारक अरस्तु राजनीति शास्त्र के पिता ने राज्य को अवश्य माना है और कहा है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और शुभ जीवन के लिए बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति स्वयं में अपने मन और शरीर का प्रभुता संपन्न है, यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? इसका राइट आंसर है सी, जे एस मिल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉल्स के सिद्धांत में अधिकार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर है बी, फल निरपेक्ष सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, जेरेमी वेंथम। नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार जन्मजात, निरपेक्ष और स्वयं सिद्ध हैं। यह व्यक्ति को प्रकृति की देन है और समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के समर्थक हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वोल्टेयर, थॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्लैकस्टोन आदि ने जेरेमी बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता का विचार निम्नलिखित में से किस एक के चिंतन में व्यक्त नहीं हुआ है? ए, एरिक वोकलिन, बी, जूलियस के नरेरा, सी, आर एस टोनी, डी, जॉर्ज फर्नांडिस। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके यह तर्क प्रस्तुत किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है? हिगेल ने, कार्ल मार्क्स ने, चार्ल्स टेलर ने, डी, रॉल्स ने। इसका राइट आंसर है डी, जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वगुण है, सर्वप्रथम गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा सरकार एवं सभी प्रकार की सांस्थानिक सत्ता को व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए बाधक मानती है? इसका राइट आंसर है बी, अराजकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर है बी, संविधान के अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एम बम्बई बनाम भारत संघवाद का निर्णय मुख्यतः भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 356 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में गठित राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग का सदस्य नहीं है? ए, सोली जे सोरावजी, बी, सी आर ईरानी, सी पी ए संगमा, डी, सोमनाथ चटर्जी। इसका राइट आंसर है डी, सोमनाथ चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है ए, पहला वाला इसमें क्या है, सही है।
भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए संसद सशक्त है। संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रभाव बंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है सी। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, उपराष्ट्रपति का पद आदि लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन का शासन आदि लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा के में से एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मनोनीत करने आदि का उपबंध लिया गया है। तथा जर्मनी के वाइमर संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ आपदा उपबंध लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या आंकड़ों का प्रस्ताव आधार क्या है। इसका राइट आंसर है ए, 1971। 13वें वित्त आयोग विभिन्न विषयों पर अपनी सिफारिश समय पर करते समय उन सभी मामलों में जहां करों और शुल्कों तथा सलाह के अनुदान के अंतर को अवधारित करने के लिए जनसंख्या के कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, तेरहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय में निम्नलिखित में से कौन से बड़े मुद्दे शामिल किए गए हैं। इसका राइट आंसर है सी, वस्तु एवं सेवा कर और धारणी विकास। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए निर्देशित करता है। ए, अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 41, डी अनुच्छेद 43। का राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है सी। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा उपबंधित है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति का उपबंध है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उपबंध है। अनुच्छेद 113 में संसद के प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का उपबंध है। तथा अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान का उपबंध है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें सही हैं। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान ने यह प्रावधान कर दिया गया कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352(1) के तहत तब तक नहीं कर सकता जब तक कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से लिखित रूप में ऐसी घोषणा आपातकाल की करने की सिफारिश नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकेगा। दूसरा है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखेगा। तीसरा है, धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को विधानमंडल के पुनर्विचारार्थ लौटाएगा। इसका राइट आंसर है डी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा अयोग्यताओं का जो वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति किए गए अपेक्षित होगी और उस रीति का जिससे उनका चयन किया गया जाएगा निश्चित करेगी कि अर्थात वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु योग्यताओं का विनिश्चय संसद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है सी, संविधान के अनुच्छेद 268 के अनुसार संघ द्वारा लगाए गए राज्य द्वारा उगाहे और विनियोजित किए गए कर स्टाम्प शुल्क हैं। अनुच्छेद 269 के अनुसार संघ द्वारा लगाए गए और उगाहे गए कर किंतु राज्यों को समानुदेशित किए गए कर रेल भाड़ों एवं माल भाड़ों पर कर हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।